सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आपके सामने होंडा शाइन 125 E20 वेरिएंट। तो इस बाइक का आज मैं करने वाला हूँ फ्यूल गेज मीटर टेस्ट। एनालॉग मीटर है इसका फ्यूल गेज, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इस बाइक में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो रेड वाला पॉइंट है इस पर कितना लीटर पेट्रोल रहता है। अगर ये नीडल रेड वाले पॉइंट पर आ जाती है तो बाइक में कितना पेट्रोल होता है, तो वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है स्टेप बाई स्टेप। तो अभी पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली है, बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मैं। तो बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो दो सेल्फ ले चुका हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसमें पेट्रोल डालूंगा। तो इस बोतल में मैंने एक लीटर पेट्रोल निकाल लिया है, इसको टैंक में डालेंगे और फिर उसके बाद फ्यूल गेज मीटर टेस्ट करेंगे कितने लीटर पर उठता है रेड मार्क पर। ये जो आप रेड मार्क देख रहे हो इस पर आने में कितना लीटर पेट्रोल लगता है, तो वो हम चेक करने वाले हैं इस बाइक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाइक को सबसे पहले हमें फ्लैट सरफेस एरिया पे खड़ा करना पड़ेगा ताकि जो लेवल है पेट्रोल लेवल वो प्रॉपर तरीके से आ सके और हमारा जो फ्यूल गेज मीटर टेस्ट है वो सही तरीके से टेस्ट हो पाए। तो बाइक को हमने एकदम फ्लैट एरिया पे लगा लिया और कोई भी किसी भी तरीके का स्टैंड नहीं लगाना बाइक में, एकदम स्ट्रेट रखना है बाइक को। तो इस पर मैं बैठ जाता हूँ इसके लिए। तो अभी पेट्रोल टैंक कैप खोल लिए, तो इसमें एक लीटर पेट्रोल डालते हैं। तो ये एक लीटर कंप्लीट बाइक में डल चुका है। इस एक लीटर की बोतल में और पेट्रोल निकालते हैं। तो बाइक के अंदर में कंप्लीट एक लीटर पेट्रोल हो गया है, बाकी इग्निशन की ऑन करके देख लेते हैं जो नीडल है थोड़ी बहुत भी उठती है नहीं उठती। अभी ई पर है, बाइक में दूसरी बोतल डालते हैं एक लीटर की। तो ये दूसरी बोतल गई एक लीटर की। तो अभी बाइक में कंप्लीट दो लीटर पेट्रोल हो चुका है, बाकी देखते हैं फ्यूल गेज मीटर की जो नीडल है वो थोड़ी बहुत भी ऊपर आती है नहीं आती। ये इग्निशन की ऑन करना पड़ेगा बिकॉज तभी हमारा जो मीटर कंट्रोल है वो वर्क करेगा। तो अभी एक मिनट देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो बाइक को स्टार्ट भी कर लिया मैंने और दो लीटर पेट्रोल में जो नीडल है वो पहला वाला वाइट पॉइंट है जो उस पर आ चुकी है, रेड से नीचे वाला जो वाइट पॉइंट है उस पर, पहला वाला जो बार है वाइट कलर का उस पर दो लीटर पेट्रोल है बाइक में। बाइक भी स्टार्ट कर दी मैंने, बहुत से भाई कहते हैं कि बाइक स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर काम करेगा मीटर, तो मैंने स्टार्ट कर दिए। तो बाइक में भी और पेट्रोल डालते हैं हम, एक एक लीटर की और बोतलें। इसको इधर ही लिया है ना, तो अभी बाइक को बंद करते हैं। तो वो 5 लीटर की कैन है उसमें से हम एक एक लीटर करके डालेंगे इसमें और रिज़ल्ट आपके सामने आता रहेगा। तो अभी हम तीसरी बोतल डालेंगे। और दूसरी बात, इंजन मैलफंक्शन जो लाइट है वो भी बंद हो चुकी है। अगर आपका बहुत ज़्यादा कम पेट्रोल रहता है बाइक में, यानी कि आधा लीटर या उससे भी कम, तो ये ऑन हो जाती है। आ रहा है ना, आ रहा है। इसमें 4 लीटर आ जाए। अभी अपनी बाइक में तीसरी बोतल 1 लीटर की, तो ये तीसरी बोतल है 1 लीटर की, इसको डालते हैं फटाफट से। ये हो गया कंप्लीट 3 लीटर। तो अभी बाइक में कंप्लीट 3 लीटर पेट्रोल डल चुका है और ये इग्निशन की हम ऑन करते हैं।
तो अब देखते हैं 3 लीटर पेट्रोल में जो रेड वाला मार्क है उस पर टच करती है नहीं करती नीडल। तो बाइक को स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो रेड वाला जो बार है उस पर टच हो चुकी है नीडल 3 लीटर पेट्रोल में। बाइक स्टार्ट कर दी है मैंने और थोड़ी देर टाइम देना पड़ता है तभी धीरे धीरे रिजल्ट जो निकल के आता है। होंडा साइन 125 E20 वेरिएंट में अगर आपकी बाइक में रेड वाला जो बार है उस पर निडल है तो बाइक में 3 लीटर पेट्रोल कंप्लीट है। तो ये आपके सामने रिज़ल्ट, बाकी अभी हम और टेस्ट करते हैं आगे तक। तो बाइक बंद कर देता हूँ। तो रिज़ल्ट आ चुका है, चलो। तो ये चौथी 1 लीटर की बोतल भर रहे हैं हम पेट्रोल से, इसको डालते हैं उसके बाद में रिज़ल्ट देखते क्या आता है। खोल तो लो। तो ये बाइक में चौथी बोतल 1 लीटर की डालो। तो अभी फाइनली बाइक में 4 लीटर पेट्रोल कंप्लीट हो चुका है और अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहने वाला है। इसको लगा देते हैं सबसे पहले। बाइक एकदम फ्लैट एरिया पे खड़ी हुई है, किसी भी तरीके का ऊंचा नीचा नहीं है, फ्लोर एकदम फ्लैट है। तो बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ एक बारी। तो निडल देख सकते हो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, रेड वाला जो बार है उसको क्रॉस कर चुकी है निडल। 4 लीटर पेट्रोल डालने के बाद में जो रेड वाला बार है वो क्रॉस कर पाती है निडल। ये फ्यूल गेज मीटर टेस्ट। रेड वाले बार के बाद में एक जो वाइट वाला पॉइंट है उस पर टच हो चुकी है ये जो निडल है। तो कंप्लीट 4 लीटर पेट्रोल होने के बाद में ये रिजल्ट आपके सामने में। कैन में 2 लीटर पेट्रोल है, इसको डालते हैं बाइक के अंदर में और फिर रिजल्ट देखते हैं। अभी 4 लीटर का रिजल्ट मैंने आपको दिखाई दिया, फ्यूल गेज मीटर की जो निडल है वो कहाँ तक जाती है। अभी 2 लीटर और डालने के बाद में फ्यूल गेज मीटर का जो हाफ पॉइंट है वहाँ तक तो आ ही जाएगी। तो देखते हैं कितना रहने वाला है। तो फटाफट से डालते हैं पेट्रोल, आराम से उड़ाना, धार बना गया। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट, जो निडल है वो एकदम हाफ पॉइंट पे आ चुकी है फ्यूल गेज मीटर में। तो बाइक के अंदर टोटल 6 लीटर पेट्रोल हो चुका है। तो 6 लीटर पेट्रोल में हाफ से भी ऊपर जा रही है, देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज इसका जो है पेट्रोल टैंक कैपेसिटी वो 10.5 लीटर है। तो 4 लीटर और मिला देंगे तो यहाँ तक फुल हो जाएगा। ये था होंडा साइन 125 cc का फ्यूल गेज मीटर टेस्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।